हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा द जनरल कैरेक्टर ऑफ एलगी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ बताए थे, इसके पहले ये वीडियो आप देखिए। ठीक, देखते हैं क्या लिखा है। द इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ एलगी आर ए फार्मोज। ठीक, सिक्स डिजिट आपको दी गई है, सिक्स कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर देखते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट, दे आर मोस्टली क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक थायरॉइड प्लांट्स। मतलब जितनी भी एल्गी होती हैं, मोस्टली जितनी भी एल्गी आप देखते हैं, सभी क्या होती हैं, क्लोरोफिल होती हैं, क्लोरोफिलस होती हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि ये क्या होती हैं, ग्रीन कलर के दिखाई देती हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, जब प्लांट ग्रीन कलर का होता है तो वो क्या होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटो ट्रॉफिक बोलते हैं। थायरॉइड का मतलब क्या होता है, जिसमें रूट, स्टेम और लीफ ये तीनों एब्सेंट होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, थायरॉइड बोला जाता है। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दे अपर इन ए वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स बट मेजोरिटी ऑफ देम आर एक्वाटिक। मतलब जो एल्गी होते हैं उनकी मेजोरिटी सबसे ज्यादा होती है किसमें, एक्वाटिक में, मतलब तालाब में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। मोस्टली एल्गी जो होते हैं वो पानी में पाए जाते हैं। अब पानी कैसा है ये आपको पता नहीं है, पानी टू टाइप का होता है, वाटर टू टाइप का होता है, एक होता है फ्रेश वाटर और एक होता है सैलाइन वाटर। क्या होता है, सैलाइन। मतलब फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल पानी होता है, और सैलाइन वाटर का मतलब क्या होता है, जिसमें साल्ट की मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं, सैलाइन वाटर या सी वाटर बोला जाता है। ठीक, तो दूसरा पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, द प्लांट बॉडी डज नॉट शो डिफरेंशिएशन इनटू वेरियस टिश्यू सिस्टम। मतलब इसमें क्या होता है, टिश्यू सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक, थर्ड फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या लिखा गया है। दे हैव मोस्टली यूनिसेल्युलर। जितने भी एल्गी आप देखते हैं मोस्टली क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। कुछ एल्गी को छोड़ के वो क्या होते हैं, मल्टीसेल्युलर होते हैं। ठीक, यूनिसेल्युलर। सिक्स, आर कम विदाउट ए जैकेट ऑफ स्टेराइल। स्टेराइल और फर्टाइल का मतलब क्या होता है, स्टेराइल में क्या होता है, जिनमें जनन करने की क्षमता नहीं होती है उन्हें स्टेराइल कहते हैं, और जिनमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होती है उन्हें क्या कहते हैं, फर्टाइल बोला जाता है। क्या होते हैं, फर्टाइल बोलते हैं, वो अलग है। ठीक, सेल्स अराउंड देम। ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट की तरफ देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब जब इम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो होता है फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं होता है, इम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो होता है फर्टिलाइजेशन के बाद भी नहीं होता है। कहाँ पे, एल्गी में। मतलब फर्टिलाइजेशन किसे कहेंगे, जब मेल और फीमेल दोनों गैमेट आपस में मिलते हैं। ये देखिए मेल गैमेट और दूसरा क्या हो गया, फीमेल गैमेट। जब आपस में मिलते हैं ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, और फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और जायगोट में क्या होता है, जब उसी के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, वही बताया गया है यहाँ पे। ठीक, लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा गया है, दे शोज डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब क्या होता है कि डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, भेद। मतलब भेद का मतलब क्या होता है कि स्पोरोफिटिक फेज और गैमेटोफिटिक फेज पाया जाता है। ठीक है, टू फेज होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है, टू फेज पाया जाता है। ठीक, कौन कौन सा, एक गैमेटोफिटिक, गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, हाफ, मतलब एन, तो उसे क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड बोला जाता है। यदि नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू एम हो तो क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड। हैप्लॉइड को क्या बोलते हैं, गैमेटोफिटिक फेज। क्या बोलते हैं, गैमेटोफिटिक फेज। और डिप्लॉइड के क्या बोलते हैं, स्पोरोफिटिक फेज बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अकरेंस और आर हैबिटेट के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। ठीक, थैंक यू आप लोगों को।